partner is Habibullah, and he have discussed some of the slides of this book. Now I am discussing the remaining slides of this book, The Wealth of Religions. The author of this book is Robert Barrow and Kerry McLaren. The fact that I am discussing here is that how religion is impacting the economic system of a country. एक रिलीजन जो है वो किस तरह मुतासिर करता है. अहम बात ये है इस किताब के अंदर कि एक रिलीजन किस तरह एक कंट्री के अंदर जब असरअंदाज होना शुरू होता है तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है. इसको अगर मैं इस तरह कहूँ कि रॉबर्ट जे बैरो ने कहा कि एक कंट्री जब अपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है तो वो इकोनॉमिकली उतनी ही डिक्लाइन शो हो जाती है. इकोनॉमिकली डिक्लाइन होती है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जाता है, या ये कहें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जब बढ़ता है तो कंट्री जो है इकोनॉमिकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. इसको इस तरह भी कह सकते हैं. अब जो मेन मुद्दा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इस बुक पर यह है कि इसने इस किताब के अंदर जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिक सिस्टम को एक साथ करके डिस्कस किया हुआ है. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो डिस्कस किया वो इस तरह, हालांकि ये ऑथर जो है वो कोई मुस्लिम ऑथर नहीं है, वो ये ऑथर जो है वो क्रिश्चियन ऑथर है, लेकिन इसने इस्लाम के बारे में, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इस्लाम एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी. अब इसने डिस्कस किस तरह करा ये मैं आपको बता रहा. इसने इस तरह डिस्कस करा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि जो पेशा था वो कारोबार था, तिजारत थी, तो इसीलिए मुसलमान ज़्यादा बेहतर समझते हैं तिजारत को अपना पेशा बनाना. इसने शुरू इस तरह करी बात, और इसने फिर इसको इस तरह डिस्कस करा, और ये बात हम सब भी जानते हैं कि इस्लाम में एक्सप्लॉयटेशन को कतई तौर पर मना किया गया है कि आप अपनी चीज को एक हद से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, जखीरा अंदोजी नहीं कर सकते. किसी चीज को आप अगर उसके अंदर डिफेक्ट है तो आप उसको अनडिफेक्टेड बताकर नहीं बेच सकते. ये इसने पॉलिसीज बताई इस बुक के अंदर, इस्लामिक पॉलिसीज, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो के फॉलो होते थे और जो के हदीस, सुन्नत और इस्लामिक सिस्टम से वाबस्ता है. इसी के साथ साथ जो उसने बताया कि इस्लाम के को देखकर, जब इस्लाम को की लोगों ने तिजारत देखी, इस्लामिक सिस्टम की, इस्लामिक लोगों की, जब दुनिया ने मुसलमानों की तिजारत देखी तो उन्होंने किस तरह मुसलमानों से तिजारत के उसूल सीखे कि मुसलमान क्या करते थे कि जब उनकी प्रोडक्ट सेल होती थी और वो प्रोडक्ट कस्टमर को अगर नहीं समझ आए तो वो अपनी प्रोडक्ट को वापस करा दिया करते थे. तो दुनिया में ऐसा रुझान था नहीं, लेकिन इस्लाम ने जब इस रुझान को मुतारिफ कराया, जो लोग इस्लाम मुस्लिम थे और उन्होंने कारोबार शुरू करा और इन पॉलिसीज पर अमल शुरू करा, तो उन्होंने यही ऑब्जर्व करा कि ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में. जो मुसलमान ताजर हैं वो गैर इस्लामी ममालिक के अंदर भी इसी तरह तजारत कर रहे हैं, इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए भी. इसी के साथ साथ आगे भी इसी बुक में यही बताया गया है, थोड़ा सा जिक्र इस बुक के अंदर इस्लाम का मदरसास और वक्फ से रिलेटेड किया गया है, यानी वो इदारे जहाँ से इस्लामी तालीमात पर रिसर्च करी जाती है और वो इदारे कहने जहाँ पर इस्लामी तालीमात अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है. इसके बारे में उसने डिस्कस किया कि मदरसास और उसमें किस तरह दीनी तालीमात पढ़ाया जाता है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम किस तरह प्रिवेल कर रहा है. लेकिन बहरहाल इस बुक में जो मेन फोकस था वो यही था कि जब एक कंट्री एक रिलीजन पर फोकस करती है, रिलीजन एक्सट्रीमिज्म पर फोकस करती है, तो वो कंट्री इकोनॉमिकली तौर पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. थैंक यू वेरी मच.